जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें राहुल जवान और हमें इस समय दिल्ली में, दिल्ली मतलब आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ये भीड़ भाड़ ट्रैफिक, दिल्ली ऐसी भी है जहाँ पे खेती होती है। तो ये आपने क्या करना है दादा, कम से कम 5 फीट इतना गहरा, ये इतना छोड़ा जी, एक गड्ढा बना लो अपने खेत में चौकड़ दे से, समझ गए आप। अब इसके अंदर की मिट्टी निकाल लो, मिट्टी निकालते गए बाहर रख दी, अब अंदर गड्ढा बन गया, अंदर कम से कम नहीं तो 5 फीट गहरे गड्ढे में चले गए। हमने क्या करना है, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी छीलनी, बिल्कुल नीचे तक की। अब ये 20 किलो मिट्टी को निकाल लो, बाल्टी या उसमें डालो कट्टे में, मोटरसाइकिल टंकी पर रखो, लेके जाओ ड्रम में पलट दो, उसके अंदर 150 ग्राम अपना फिट करी उठाओ आराम से, थोड़ी सी 150-200 ग्राम डाल दो, उसके अंदर पानी भर दो, गुड़ डाल दो 1 किलो। अब इसको 36 घंटे छोड़ दो, आप 2 दिन छोड़ दो, वहाँ जाओ फिर खेत में, उसके बाद में डंडा डालो, घड़ी की दिशा में घुमाओ। किसान क्या गड़बड़ करता है, ऊपर से नीचे कर देगा, कभी दाएं बाएं हिला देगा ना, केवल ऐसे चक्की की तरह, चक्की वाली से बस चलाया और 15-20 मिनट छोड़ दो, तो ये पूरी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ऊपर का जो क्ले वाला पानी बचा, गादला पानी बोल रहे हैं अपने यहाँ, उसमें ऊपर आपने क्या करना है, एक पुरानी टी शर्ट हो या घर में चुन्नी वाला साड़ी वगैरह पड़ी रहती है, उसको मुंह पर डाला, डबल कपड़ा या वो छोटी वाली टॉवल आती है आजकल दुकान पे, 50-50 रुपए की मिलती है, उनको डबल कर लो, रेसे वाली फाइबर का कपड़ा भी आ रहा है वीरेंद्र भाई अपना गाड़ी साफ करने का जैसा आता है, वो डाल के इसे छान लो और सीधा स्प्रे मारो। अभी ये करेगा क्या, फंगीसाइड का काम ही जबरदस्त वाला करता है, कीड़ों को मारने की क्षमता इसमें भयंकर वाली है भाई साहब, करके देखो कोई भी कीड़ा लगाओ, भयंकर कीड़े लगे हो नहीं कीड़े में इसमें, जैसे आजकल धान के क्रॉप है, हाँ गोब की सुंडी इल्ली जो भी, अगर आप इसमें लगातार हर हफ्ते एक स्प्रे करते हो मिट्टी का बढ़िया वाला, भिगो के मजेदार, खुद भी नहाओ उसमें डाले में, खुद भी नहाओगे तो खुद की बॉडी फिट रहेगी क्योंकि मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, तो आप इसका रिजल्ट अलग ही देखोगे, आप ये कहोगे यार इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देखा आज तक, स्प्रे बहुत करे, क्योंकि अब ये गोब की सुंडी पत्ता लपेट वगैरह ये आती है, तो जब आप करोगे तो आएगा नहीं, फंगस नहीं आएगी, दूसरा वायरस नहीं आएगा, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, न्यूट्रिशन मिलेंगे पौधे को जो उसको चाहिए नेचुरल तौर पे। देखो जिंक का कहीं पेड़ है, जिंक नहीं है, उसके बाद बोरान का कहीं पेड़ है, जितने फर्टिलाइजर है माइक्रो न्यूट्रिएंट का कहीं पेड़ है, कहीं नहीं है, ये धरती में से एक्सट्रैक्ट निकाल कर तुम्हें डब्बे में दिए जा रहे हैं, मतलब जैसे मैंने गाय पाल रखी, मिस से दूध लेके मेरा पाउडर का बना के मुझे पिला रहे हो, मेरे तो घर में गाय है, मेरे घर में मिट्टी है, मैं तो इसे कहीं स्प्रे ना करूँ फिर, तो 20 किलो मिट्टी में जितने 1 एकड़ का न्यूट्रिशन चाहिए उससे फालतू आ जाता है, तो ये एक बेहतरीन उपाय है। दूसरा एक स्प्रे आप ले सकते हो, 200 लीटर पानी में 4-5 कंडे गाय के सूखे वो डाल दिए, 5-10 लीटर उसके अंदर गोकवर्मा या फिर वेंटी कंपोजर डाल दिया, 1 किलो गुड़ डाल दिया, 250 ग्राम सेंधा नमक डाल दिया, और चावल का अगर मांड है तो 1 लीटर डाल दो, वो तो हर घर में रोज ही बना है चावल बनते हैं, चावल का मांड, ये बैक्टीरिया का बहुत जबरदस्त वाला भोजन है, फाइबर होता है इसके अंदर। अब साहब इसको जो है आपने ले लिया, अब आप इसका स्प्रे मार दो प्लेन 1 एकड़ में, मुंजी हो गई 2 स्प्रे में, कहाँ दुकान पर गए, और रिजल्ट देख लो, एक बार पट्टा मार दो 20 दिन के होने के बाद, जब वीरेंद्र ने मारा, नहीं वीरेंद्र के तो पट्टे देखो सरसों की खड़ वगैरह कर रखा है इसने, फसल गुट्टी की बिल्कुल, फिर ये गड्ढे वाला खाद चला दिया इसने, जो भी है इससे बढ़िया कुछ नहीं है, इसका मतलब रासायनिक वाली भी फैल है। किसान को समझना ये है कि ये जो किसान कार्यशाला या ये राहुल भाई जो बता रहा है, बिल्कुल तो मतलब इसके पीछे का मकसद क्या है, पीछे का मकसद है आप लोग उठ गए मेरा काम हो गया। मेरे पास ऐसे ऐसे किसान भी हैं जो मुझसे 3-3 महीने में बात करते हैं एक बार, लेकिन वो अपने एकदम तरीके से बोला गुरु जी हम तो लगे लगे हैं, हम तो 20 आदमी को और बता रहे हैं साथ में, बड़ी खुशी मिलती है कम से कम, हर आदमी इसीलिए काम कर रहा है। अच्छा कुछ लोगों में कीड़ा होता है समाज के प्रति, मेरे अंदर ही वो कीड़ा ऊपर वाला ने फिट करके दिया है, मुझसे बैठा नहीं जाता घर, मेरा मन करता है मैं जाऊं लोगों को सिखाऊं बताऊं, या किसी के घर में अगर तुम्हारी वजह से दाल की बजाय साथ में पनीर की सब्जी बन रही है तो इससे बड़ा दुनिया में धर्म का काम है कोई, और किसान सबसे ज्यादा शोषित है आज की तारीख में, और किसान में सारा देश आ गया, हर बिरादरी आ गई, हर जाति आ गई, तो किसान की सेवा कर लो देश सेवा होगी दोबारा। मैं तो ये सोचता था बंदूक छोड़ने के बाद कैसे देश सेवा करेंगे, पुलिस का दिमाग में आया ना यार ये तो गड़बड़ चीज़ है हमारे बस की तो है नहीं, और कई चीज़ें आई दिमाग में नहीं यार, फिर दिमाग में आया किसान को पकड़ो, अब किसान को जगाना शुरू किया, किसान जाग भी रहा है तो मज़ा भी आ रहा है, अगर शायद आप लोग नहीं जागते या मेरी प्रैक्टिस सही नहीं होती शायद आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। नहीं बिल्कुल ये भाई सौभाग्य है आप आए हमारे यहाँ, और बड़ी अच्छी चीज़ नहीं ये चीज़ें करनी चाहिए। तो वीरेंद्र भाई ये जो आपका बेड था ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये बेड आपका जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम थोड़ा ठीक करेंगे। आपने क्या करना है भैया इधर ले आओ, ये जामन भी जमेंगे तुम्हारी,
बस ये सब पड़ गए, ऑर्गेनिक हो जाएगा, खाद में हो जाएगा। आपने क्या करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं फावड़ा प्रोफेशनल चलाता हूँ क्योंकि मैंने चलाया हुआ अपने खेत में। पहले आज आदमी हूँ जो कैमरे पे भी है और खेत में भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं ना कि अभी दूर से। नहीं, यूट्यूबर का मतलब नहीं है, यूट्यूबर देख लिया और बता दिया, दूसरे ना, 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 ना। उठाई और वो बता दी, यहाँ तो प्रैक्टिकल हर चीज। बिल्कुल, अब ये जो है वीरेंद्र भाई, आपका पौधा ग्रोथ बहुत जबरदस्त करेगा। अब आपने क्या करना है, ये आसपास का जो मल्चिंग है जो अभी हम कर रहे थे, उठाई लें, इसको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। मैं आपका डेमो दे के दिखा दूँ, दिखाइए भैया जरा, इधर दिखाना आप। अब ये देखो, मैंने यहाँ से मल्चिंग उठाई, ये देखो, यही तो करना है किसान ने। और किसान को क्या बताते हैं कि ये डाल दे वो डाल दे। अब आपने इसके ऊपर ये ले लेना है अपनी घास फूस, दोनों तरफ से इसको बढ़िया करके रख दो। मैं आपका डेमो ही देकर दिखा देता हूँ प्रॉपर। ये जो है यहाँ से, आप लोग भी ध्यान देना भैया, ये यहाँ से चार चार अंगल खाली होना चाहिए ताकि सूर्य की रोशनी अंदर जा सके। अब इसमें इधर से भी मल्चिंग आएगी वीरेंद्र भाई, इधर से भी आएगी, है कहीं और थोड़ी बहुत सारे। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं साहब कि इसके अंदर, आपके पौधे के अंदर अब इसकी जड़ों में घास नहीं जमेगी और आपको खुरपी चलाने की जरूरत नहीं। हम तो जबरदस्ती खुरपी पेल रहे हैं ना जी जी, बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खुरपी चल रही। अब इतनी जगह में खुरपा नहीं चलेगा जहाँ तक इसकी जड़ें, इसकी जड़ें कहाँ तक हैं, जहाँ तक इसका पत्ता है, तो ये यहाँ तक लगभग खाने वाली जड़ें कहाँ तक जाएंगी, यहाँ से शुरू होती हैं और यहाँ तक इसकी खाने वाली जड़ें रहेंगी, इसके आगे स्टेम रूट आएंगी जिसको पकड़ के चलेंगी। तो खाने वाली जड़ें जहाँ तक हैं, देखो ढकते क्यों हैं, जड़ें कैसे काम करती हैं, जमीन के जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो अंधेरे में काम करते हैं। पौधा दिन में भोजन लेता है, रात को उसको खाता है। और जब आपने मल्चिंग कर दी तो जैसी रात हुई बैक्टीरिया एक्टिव हो गए जी। अगर आप एक कमरे के अंदर हो बंद है, या जेल है बिल्कुल, वहाँ पे सूरज नहीं दिखता, आपको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, तो आपको एक आदमी आया, उठो नाश्ता करो, तो आप रात के 1 बजे भी नाश्ता करने बैठ जाओगे, आपको पता ही नहीं टाइम क्या हो रहा है। और एक आप बाहर हो, आपको पता है सूरज निकलेगा तो नाश्ता करूँगा, तो हमने क्या किया, माइक्रोब्स को धोखा दे दिया, अंधेरा हो गया नीचे, उनको लगा रात हो गई, अब वो दिन में भी खाएंगे रात को भी खाएंगे, तो आपकी ज़मीन में जो फिक्सेशन हो रहा है वो फिक्सेशन कम हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। और जो बॉन्डिंग पड़ी हुई है खाद की, डायरेक्ट बिना आपने बॉन्डिंग तोड़े खाद दे दिया, अगर वो खाद भी है तो भाई साहब ये उसको भी बॉन्डिंग तोड़ देंगे, खा जाएंगे, बैक्टीरिया का ही सारा गेम है। तो मल्चिंग से एक तो ज़मीन ढीली होगी, आपको ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करके उसके अंदर जगह नहीं बनानी पड़ेगी, नालियाँ बन जाएंगी और आप पानी डालोगे तो यहीं का यहीं खप जाएगा, और दूसरा ज़मीन की पानी धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, लीचिंग की व्यवस्था ठीक ठाक हो जाएगी, और आपका न्यूट्रिशन केचुआ ही करेगा सीधी सी बात है इसे, तो इनकी जो विष्ठा निकलती है, वेस्टेज निकलता है, वो वेस्टेज ही पौधे का भोजन है, चलने फिरने वाले जीवाणुओं का। कार्बन बढ़ेगा, कार्बन क्या है, जो भी बायोमास पौधे जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, जब वो बायोमास डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजिशन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो फंगस आती है इसको सड़ाती है, उसके साथ में बैक्टीरिया आते हैं, फंगस और बैक्टीरिया मिलकर के इसको डिकम्पोज करते हैं। अब ये फंगस और बैक्टीरिया जब इसको खाते हैं, खाने के बाद इनकी बॉडी से जो रसायन निकलते हैं, एसिड्स निकलते हैं, वो एसिड्स दो प्रकार के निकलते हैं, बैक्टीरिया से निकलता है हल्का लिक्विड और इससे निकलता है आपका, फंगस से निकलता है हल्का चिपचिपा, तो ये सॉलिड प्लस उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, यही कार्बन है। ये बहुत कम मात्रा में निकलता है, इसका रेशियो बहुत कम है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो 250 क्विंटल अगर आपने डाला कोई भी बायोमास, तो 250 क्विंटल से कोई 2.5 किलो के आसपास कार्बन रिलीज होगा ताज़ा, लेकिन 2.5 किलो बहुत होता है, ये बहुत हो गया। एक खेत को लगभग 300 से लेकर 600 क्विंटल तक कचरा,
गोबर, बायोमास, मतलब कुछ भी बायोमास इतना चाहिए एक एकड़ में एक साल में खाने के लिए बैक्टीरिया को, उतना है ही नहीं हमारे खेतों में। तो फिर हम उसकी पूर्ति करने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर से चीज़ें ला रहे हैं। प्रकृति के गेम को समझ लो, नेचर हमारे जैसी है। कोई भी पौधा जब भोजन बनाता है तो ये जैसे ये पौधा है तो ये पौधे ने अगर मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ, एक 4.5 ग्राम भोजन बनाया तो ये 1.5 ग्राम तो देगा जड़ से नीचे, यहाँ से नीचे ज़मीन में जी, 1.5 ग्राम देगा ऊपर और 1.5 ग्राम रखेगा यहाँ पे रिजर्व। अच्छा, जैसे हम पैसा कमाते हैं तो कुछ तो हम घर में दे देते हैं, सामान वामान आ गया, कुछ हमारा व्यवसाय धंधे में लगा दिया हमने आगे बढ़ने के लिए, ये इसका व्यवसाय धंधा हो गया, जड़े हैं वो इसका घर हो गया, घर परिवार। जड़ मजबूत रहेगी तभी तो सब कुछ ठीक चलेगा जी। हाँ, तो ऊपर आ गया, ऊपर वाल दे दिया इसने, ये व्यवसाय है इसका, क्योंकि भाई इसी से इसका समाज में काम चलना है। मक्की से मक्की नहीं देगी तो कौन पूछेगा इसे। अब इसने 1.5 ग्राम क्या किया, बैंक में डाल दिया। अब अगर किसी वजह से बरिंदर इसको भोजन ना दे या यहाँ पे पानी भर जाए बहुत ज़्यादा, तो जब पानी भर जाता है आपने देखा होगा पत्ता पीला पड़ना शुरू हो जाता है। पत्ता ऊपर से पीला नहीं पड़ता, नीचे से पीला होता है, समझ रहे हैं आप। नीचे से पीला होने का कारण क्या है भैया जी, आप इधर आ सकते हैं। नीचे से पीला होने का कारण क्या है, पौधे ने देखो भोजन लेने की 3 शर्तें हैं। एक तो 30% नमी, मतलब पानी, हवा, उसके साथ में क्या सूरज की रोशनी, और 10% मिनरल, वो पौधे को चाहिए होते हैं। अब हमारे पास मिनरल तो हैं, किसान तो कमी रखता नहीं, पेल पेल कर रखा है। अब हमारे पास पानी भी है खूब दबा के, सूरज की रोशनी भी है, हमारे पास हवा नहीं है। वापसीकरण का कोई किसान ध्यान नहीं रखता कि ज़मीन में वापसा कंडीशन भी चाहिए। वापसा कंडीशन कैसे बनती है, जब ये कणों के बीच का पानी 70% ज़मीन के नीचे लीचों के चला जाए या हवा में उड़ जाए, बचा हुआ 30% पानी जो 2 कणों के बीच में है, वो पानी जो उड़ता है, उस उड़ते हुए पानी को वाइट रूट्स, आपने सुना होगा वाइट रूट करते हैं लोग, वो सफ़ेद जड़े इसके खींचती हैं, तब वापसा कंडीशन बनती है। अब हमने क्या किया कि पानी भर दिया लापालाप, तो इसकी जड़ों ने क्या किया, भोजन लेना कर दिया बंद। भाई जब सांस नहीं आएगी मैं आपको रसगुल्ला खिलाऊं खा लोगे, खा नहीं पाओगे। अगर मैं नाक बंद कर दूं कहूं रोटी खाओ, अंदर जाएगी नहीं, हवा के साथ जाएगी। तो हुआ क्या, आपने जो पानी भर दिया पूरा, जड़ों को सांस मिली नहीं, तो इस कंडीशन आने में समय लगा, समय लगा। कई बार क्या हुआ, अभी एक खेत में कल हम गए थे वो वेद प्रकाश जी के पास में, वो बाजरा पूरा सूख गया उनके पास वाला पानी भरने की वजह से। अब उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ, किसान को साइंटिफिक रीजन कोई बताता नहीं। इसका कारण ये है भैया जी कि आपके बाजरे में जैसे उसमें खेत में पानी भरा तो जड़ों को सांस मिलनी हो गई बंद। अब पौधे के पास जिंदा रहने के लिए सबसे पहले उसको जिंदा रहना जरूरी है, तो उसने क्या किया, इंतजार किया तो उसने जो स्टोरेज था उसके पास, इस स्टोरेज को प्रयोग करना शुरू किया अंदर वाले को। स्टोरेज भी खत्म हो गया, अब वो इंतजार कर रहा है कि यार मतलब कहीं से कुछ आ जाए मेरे लिए, नहीं आया। अब वो क्या करेगा अपने आप को जिंदा रखने के लिए, मनुष्य के जीवन से रिलेटेड करें तो आपने जो पैसा अपने घर में रखा था, संभाल के रखा था, वो आपका ख़त्म हो गया बैंक वाला। अब आपने जो व्यवसाय किया हुआ है, ये दुकान है, ये सेलर है, ये मोटरसाइकिल है, ये कार है, ये कहीं ब्याज पर पैसे दे रखे हैं या कहीं और दे रखे हैं, या आटे की चक्की खोल रखी, अब आपको जब आपत्ति आ गई और ऐसी विपत्ति आ गई कि आपका स्रोत बंद हो गया, पीछे से भोजन नहीं ले पा रहे, मैं आदमी के जीवन से रिलेट करके बता रहा हूँ कि भोजन नहीं ले पा रहे और स्थिति खराब हो गई और आप पीछे से अब नई अर्निंग नहीं हो रही आपको, आप क्या करोगे, पहले जो आपका ऐसा धंधा होगा जो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा होगा और उसकी कोई आपके जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा, लेकिन आपने सोचा कि चक्की खुल रही तो यार 2-4 रुपये दे ही जा रही, खुल ले रहा हो, तो सबसे पहले किसको बंद करोगे, जिससे कम स्रोत आ रहा है। कम स्रोत पौधा सबसे पहले किस पत्ते को सुखाएगा, जिसके अंदर क्लोरोफिल सबसे कम और जो सबसे ज़्यादा पुराना हो गया। मेरी बात को समझना आप लोग ध्यान से, इतने ध्यान से कोई नहीं समझाएगा। तो पौधा सबसे पहले उस पत्ते को ख़त्म करेगा, तो नीचे वाला पत्ता सबसे पहले पीला पड़ता है, फिर उससे ऊपर वाला, फिर उससे ऊपर वाला, फिर उससे ऊपर वाला, फिर उससे ऊपर वाला, लास्ट में सारे पत्ते सूख जाते हैं, मतलब पूरे जितनी एफडी कर रखी थी सारे बिजनेस धंधे बंद, अब केवल हवेली रह गई और ज़मीन बची। अब अगर अभी भी कुछ सुधार नहीं हुआ तो भाई साहब ये हवेली और ज़मीन धीरे धीरे करके, भैया एक कमरा तुझे बेच दिया, एक खेत इसे बेच दिया, लास्ट में करते करते हवेली बेचकर चला जाएगा दुनिया से। तो समझ गए मेरी कहानी, समझ गए कि पौधा पीला पड़ के मरता क्यों है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या, हवा, बस गणित समझ गए। हवा कैसे आएगी,
मल्चिंग से। अब ये भैया ने हमने यहाँ मल्चिंग कर रखी थी, देखो तो यहाँ जो है हवा, ये देखो ये हवाई तो बना दी इन्होंने भाई, ये तो छेद करें, छेद कर। अगर जहाँ मल्चिंग नहीं हुआ जमीन ठोस मिलेगी। अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, देखो